नहीं पसंद है मुझे चूड़ी ना बिंदी ना आंखों में काजल, मुझे तो बस पहनना पसंद है तेरी दी हुई पायल। कुछ ऐसा ही है ना यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा का प्यार। लेकिन देखिए ना, कहानी में तो लगातार आते रहते हैं ट्विस्ट, और अब की बात तो ये तूफान आया है अभिमन्यु पर। तो किस तरह करेंगे अभिमन्यु और अक्षरा इस तूफान का सामना? लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जल्द ही आए हमारे लिए कोई गुड न्यूज। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज है नील और आरोही का रिसेप्शन, जिसकी तैयारी खुद अभिमन्यु ने की है, जिसे देखकर मंजरी बेहद खुश हैं। लेकिन उसके चेहरे की उदासी देखकर मंजरी परेशान भी हो रही है। कितना प्यारा लग रहा है तू, किसी की नजर ना लगे। अभी क्या हुआ? ये जब से अक्षु के यहाँ से आया है कुछ परेशान परेशान सा लग रहा है। वो लोग वो सब आ रहे हैं ना यहाँ पे? बोलना, कुछ हुआ था क्या वहां पर? ना, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और जो लोग आए हैं उन पे फोकस करिए ना। वो देखिए, रोहन भी आ गया, आप इन्हें देखिए, मैं रोहन को देखता हूँ। रोहन आ गया तो? सर आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, चिल कर। सर एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो जब भी आपका ऐसे सैड और डाउन देखता हूँ तो। थैंक यू रोहन, वे पूछता है तो अच्छा लगता है, और तो हमेशा पूछता है। थैंक यू। हालांकि अभिमन्यु अपनी माँ की बात को टालकर वहाँ से निकल तो गया, लेकिन वो परेशान है क्योंकि उसकी अक्षरा यहाँ नहीं है। ऐसे में आरोही मौके का फायदा उठाकर मंजरी के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अक्षरा उसकी खुशी में शामिल नहीं हो रही। क्या हुआ आरोही? क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही है? माँ भाभी सारे गेस्ट पूछ रहे हैं कि मेरा रिसेप्शन है और मेरी बहन क्यों नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें क्या जवाब दूँ? डोंट वरी आरोही, हो सकता है बाकी सबके साथ अक्षरा भी आ जाए। आई होप। अभिमन्यु तुम्हें कुछ पता है तो बता दो प्लीज, बताओ ना, अक्षु और बाकी की फैमिली आएगी ना? आरोही को ये लगा कि वो सभी के सामने फिर से अक्षु और अभिमन्यु पर कोई ना कोई इल्जाम लगाएगी, लेकिन तभी घर में एंट्री हो गई गोयन का परिवार की, जिन्हें देखकर आरोही खुश हो गई। हालांकि इन सब का श्रेय बड़े पापा ने अभिमन्यु को दे दिया। पापा आप आ गए, ये बात मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो अक्षरा ने जो ठान लिया है वो करके ही रहेगी, और वो आरोही का सच पता भी लगा लेगी, लेकिन इसी के साथ उसके सामने उसका सच भी आएगा, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तेरा सच और ये पेपर्स मैं पूरे परिवार के सामने रखूंगी। तो तेरा सच भी सुनते जा, तेरा माँ बनना बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा कि उस सिचुएशन में अक्षरा अपने आप को कैसे संभालेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।